इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। आज कुछ तबसरा, कुछ जिक्र जो पिछली बार जो कोरोना के दौर में हुआ तो उसके ऊपर हम आज कुछ चर्चा कही है, तो फिर तबसरा कहिए। दौर कोरोना का थमता नजर आ रहा है, लोग अपने रोजमर्रा के कामों की तरफ निकल पड़े हैं। पिछले 5 महीनों से थमे पहिए फिर हरकत कर रहे हैं। कई घरों में कोरोना से मौतों की वजह से मातम देखा गया, पर जिंदगी तो आगे बढ़ती रहती है, पर आगे यूं नहीं बढ़ती बल्कि पिछले तजुर्बात आने वाली जिंदगी के लिए सबक सिखाते हैं। मुश्किल वक्त में अपने कौन और बेगाने कौन का फर्क समझाते हैं। बड़े हमदर्द बनने का नकाब पहले लोगों के असल चेहरे भी मुश्किल वक्त में साफ दिखाई देते हैं। ना सिर्फ इस कोरोना के दौर में बल्कि कभी कोई मुश्किल वक्त में अपना होता है वो दौड़ कर आगे आता है, फिर उसकी जिंदगी ही क्यों ना खतरे में हो। लिहाजा दौर कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। अब जब कोरोना का दौर और कहर थमता नजर आ रहा है तो अस्पताल भी खुल रहे हैं, छोटी बड़ी क्लिनिक भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। यकीनन यहाँ पर दो तरह के डॉक्टर्स दिखाई दिए और पिछले 5 महीनों में असल किरदार ही डॉक्टरों का था और दिन रात मरीजों के खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों को भी हमने देखा, तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी देखे जिन्होंने डॉक्टरी पेशे से इंसाफ नहीं किया। कई डॉक्टर्स जो पॉजिटिव मरीजों के इलाज करते करते खुद पॉजिटिव हो गए और कुछ ने तो इस कोरोना में खिदमत को अंजाम देते हुए अपनी जान भी दे दी। ऐसे डॉक्टरों को इत्तेहाद न्यूज अपना सलाम पेश करता है। पर कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स रहे जिन्होंने पेशे को तिजारत बना रखा है और आज इन्हीं के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि अब जब कोरोना की शिद्दत घटने लगी है तो अपनी जेबों को वजन करने के लिए ये फिर बाहर निकल पड़े हैं। समाज को, माशरे को ऐसे डॉक्टरों को पहचानना होगा। जब हमने इनसे सवाल पूछा तो कहते हैं कि हमारे घरदार है, हमारी फैमिली है, मरीज के लिए कई डॉक्टर्स हो सकते हैं पर डॉक्टर के लिए उसकी एक ही फैमिली होती है। अब इन डॉक्टरों को क्या कहा जाए कि आप अपनी फैमिली, अपने घर बच्चों के लिए यह पेशा नहीं चुना है, बल्कि डॉक्टरों को आवाम, मरीज जान बचाने वाला समझती है और अगर जरूरी वक्त में कोई डॉक्टर यह कहे कि मैं मरीजों का इलाज करूंगा तो मर जाऊंगा या पॉजिटिव हो जाऊंगा तो फिर आपने यह पेशा क्यों चुना? क्या पैसा कमाने के लिए आपने डॉक्टरी इख्तियार क्यों की थी? अगर हर कोई यह समझे कि मरीज की बीमारी मुझे लग सकती है लिहाजा क्वारंटाइन होने का ड्रामा कर अपने फैमिली के साथ इत्मीनान से घरों में रहने वाले उन डॉक्टरों को, उन मरीजों का क्या जिन्होंने अब तक तुम्हें फैमिली डॉक्टर बनाकर भरोसा किया हुआ था कि मुश्किल वक्त में हमारा डॉक्टर हमें देख लेगा? और इस कोरोना दौर में यही हुआ, जिन्होंने भी अपने फैमिली डॉक्टरों पर भरोसा किया था डर की वजह से क्वारंटाइन की कहानी बनाकर घर में बैठे रहे। कई मरीजों को दवा नहीं मिल रही थी, छोटे क्लिनिक कुछ एक छोड़कर बंद कर दिए गए थे। जिन्होंने भी इस मुश्किल वक्त में क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज किया यकीनन वो लोग मुबारकबाद के काबिल है, पर जिन्होंने बंद रखकर मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया उनका क्या, जो आज फिर से टेबल की धूल झटका कर गले पे बैठे हुए हैं। जब जिनके बच्चे डॉक्टर बनना है वो बनेंगे, आपको मशवरा देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी अपने पेशे से इंसाफ करें, इसलिए कि इंसान की जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है पर बतौर जरिया डॉक्टर ही होता है। अब ये उस डॉक्टर पर होता है कि वो किसी मरीज के लिए फरिश्ता बनकर आता है या फिर मलकल मौत, ये फैसला उन्हीं को करना होगा। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।